शहर में 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद हालात सामान्य हो चले हैं। प्रशासन ने कर्फ्यू भी हटा दिया है। शहर में एक बार फिर शांति सौहार्द कायम हो गया है। इस बीच दोनों पक्षों के पीड़ितों से सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के मिलने का दौर जारी है। शनिवार को जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारी शहर पहुंचे। दल सदस्यों ने पथराव में मारे गए इब्रेश के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद मोहन टाकीज तालाब चौक, छोटी मोहन टाकीज, काजीपुरा, संजय नगर आदि दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचे। मीडिया से चर्चा में हाजी मोहम्मद हारून ने बताया कि जमीयत देश में शांति सद्भाव के लिए काम करती है। खरगोन के हालातों को लेकर चिंता थी। आज पीड़ितों से मिले और उनके हाल जाने हैं। हाजी ने कहा, यह लड़ाई क्षणिक थी, यह कोई अपराधी नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद होटलें तोड़ी, यह गलत है। प्रशासन को चाहिए था कि दंगे को रोकने के लिए दोनों पक्षों के बीच शांति सद्भाव कायम करे, लेकिन जो लोग दंगों में शामिल नहीं थे उनकी दुकानें तोड़ी गई। प्रशासन गुनहगार को सजा दे, न कि उनके परिवार को अतिक्रमण के नाम पर बेघर करे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार से मांग है, जिला प्रशासन से मांग है कि जिसके भी मकान जलाए गए हैं वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिनके भी मकान तोड़े गए हैं वो कोई भी हो, उनके मकानों को बिला उस ताखीर जो है उनको उनके पैरों पे खड़ा करना चाहिए, ताकि उनकी आने वाली नस्लें प्यार मोहब्बत से रहें, और जो होटलें तोड़ी गई हैं उनको वापस तामीर की इजाज़त मिलना चाहिए। और प्रशासन जिन मकानात को बनाना चाहता है सबके बनाए, हम चाहते हैं निर्माण सबका हो, यही हमारी अपील है। अच्छा, इसको लेके आप क्या करना चाहिए, आपकी टीम क्या करेगी आगे? नहीं, हमारी टीम में सद्भावना का असल हमारा मिशन है, हम वही कर रहे हैं। प्रशासन सरकार के सामने ये सब ये समस्या हम यहाँ भी रखेंगे, आपके यहाँ अगर हमें वक्त मिला, और मध्य प्रदेश भोपाल में हम रखेंगे, दिल्ली में हमारे क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं, हम दिल्ली में हुकूमत भारत सरकार को भी रखेंगे कि ये तरीका ठीक नहीं है। हमें प्यार मोहब्बत फैलाना है, प्यार मोहब्बत को बढ़ाना है, बदले की भावना किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? हाजी मोहम्मद हारून, प्रेसिडेंट जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, हजरत मौलाना हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा हिंद जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली जमातों में से प्रमुख जमात है, और उसके सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब, और पूरे मुल्क में जमात सद्भावना का काम करती है, तो खरगोन के अंदर जो वाक़यात हुए उस पर पूरी चिंता थी, फिक्र थी, और ये कोशिश रही कि यहाँ सद्भावना हो, तो उसी कोशिश के तहत हम यहाँ आए हैं, और हम चाहते हैं यहाँ सद्भावना, अमन और भाईचारा बढ़े। लेकिन साथ ही कुछ वाक़यात जो हुए उसको भी देखना था, तो हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब जो हमारे कुल हिंद ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मैं हाजी मोहम्मद हारून स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जमीयत उलमा मध्य प्रदेश का, और हमारे लोकल यूनिट के जो सदर और हमारे नायब सदर हैं जमीयत उलमा के मुनीर साहब, और हमारे तैयब साहब, रियाज साहब, ये सारे लोग यहाँ हैं। हमने सारे यहाँ के जो पूरा तो हम विजिट नहीं कर सकते, लेकिन जो हम देख सकते थे वो हमने देखने की कोशिश की, तो उसमें कुछ बातें हमें ये मालूम हुई कि जो अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद की दुकानों को तोड़ा गया, तो मस्जिद तो कसूरवार नहीं थी कि मस्जिद किसी को पत्थर मार रही थी, तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो मस्जिद में तो हिंदू किराएदार भी थे, हिंदुओं की दुकानें भी थी, और वो अतिक्रमण भी नहीं था, और उससे मस्जिद का खर्चा चलता था। इसी तरह और होटलों को देखा, लजीज होटल को देखा, और लोगों को भी देखा, तो वो भी कोई ऐसा नहीं था। 50-50 साल से होटलें चल रही हैं और उनको तोड़ दिया गया। इसी तरह आगजनी में ये भी मालूमात हुई कि हिंदू भाइयों के भी मकान तोड़ जलाए गए, मुसलमानों की भी बड़ी तादाद में मकान जले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरा ये कहना होता है कि ये जो लड़ाई होती है क्षणिक होती है, यानी ये कोई क्रिमिनल लोग नहीं होते कि क्षणिक आवेश आया, कुछ मुसलमान गुस्से हो गए, कुछ हिंदू भाई गुस्से हो गए, तो सरकार और जिला प्रशासन का काम बदले की भावना न होकर लोगों को प्यार मोहब्बत का माहौल बनाने की कोशिश करना चाहिए थी, वो न करकर यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की। जो अखबार में रिपोर्ट मिली कि जिनके बच्चे भी नहीं हैं उनके भी मकान तोड़ दिए गए, तो हमारा सरकार से ये कहना है कि ये जो एक तरफा कार्रवाई की है तोड़फोड़ की, हम तो ये कहना चाहते हैं कि किसी का भी मकान न तोड़े। अगर कोई एक कसूरवार हो किसी परिवार में, तो उसके घर वाले, उसके माँ बाप, बूढ़े हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसके माँ बाप तो कसूरवार नहीं हो सकते हैं, उसके बच्चे तो कसूरवार नहीं हो सकते, उसकी बीवी कसूरवार नहीं हो सकती है। तो हमारा पूरे प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से और के तोड़फोड़ की कार्रवाई न करें। अगर कोई गुनाहगार है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार का ये काम नहीं है कि सरकार उसको सज़ा दे।
यहाँ हमने ये देख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।